अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि कल 12 जनवरी है और 12 जनवरी से बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का सेकंड राउंड यहां पे होने जा रहा है। इस बीच यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कन्फ्यूजन है हर स्टूडेंट का। कल लाइव सेशन में भी काफ़ी कैंडिडेट्स हैं वो बोला, तो मैंने वहाँ से भी क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं हो रहा। टेलीग्राम पर भी बहुत सारी मैसेजेस इसके रिगार्डिंग है। तो देखिए कन्फ्यूजन क्या है स्टूडेंट्स का, कि जो कल 12 और 14 जनवरी को कैटेगरी की सीट्स फिलअप होने जा रही हैं, इसमें यहाँ पे कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को कि अगर 12 और 14 जनवरी को यहाँ पे रैंक 1 से लेकर रैंक 8551 तक के कैंडिडेट्स को जाना है, तो दैट मींस कि ये सीट जितने भी सीट्स वैकेंट होंगी वो कल दो दिनों में फिलअप हो जाएंगी। उसके बाद के जो कैंडिडेट्स होंगे उनका यहाँ पे क्या होगा वो मैं क्लियर करूंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सीट मैट्रिक्स आपका शाम तक आ जाएगा। सीट मैट्रिक्स आने के बाद मैं आपको टेंटेटिव कट ऑफ भी बताऊंगा क्या कट ऑफ कैसा रहने वाला है। उसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह काउंसलिंग का प्रोसीजर भी मैं शाम तक वीडियो अपलोड करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपका फी है, फी में आज दिन में अगर पॉसिबल हुआ, नहीं तो कल मॉर्निंग में मैं वो वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं फी वगैरह आपको बताऊंगा, क्योंकि आज काउंसलिंग वगैरह का बताना है तो आज मैं काउंसलिंग का बता दूंगा, कट ऑफ वगैरह भी मैं बता दूंगा। तो कल मैं आपको फ़ी का स्ट्रक्चर भी दे दूंगा कि किस कॉलेज में कितनी फ़ी आपकी रहने वाली है। तो देखिए चलिए हम शुरू कर लेते हैं अपना टॉपिक और देख लेते हैं क्या कन्फ्यूजन है आपका। तो देखिए यहाँ पे जो कल कैंडिडेट्स हैं, जो देखो अच्छी तरह से इस वीडियो को सुनना, फिर आप जो है वो पिछली वीडियो में मैंने ये डाउट क्लियर किया था, लेकिन फिर से आप दोबारा से जो वीडियो देखते नहीं हो पूरा, फिर से आप कमेंट करते हो, मैसेज करते हो, कॉल करते हो। देखिए 12 जनवरी को जिस कैंडिडेट के पास ST OSC JKPM PSP SC उसके बाद SP ALC IB और CDP कैटेगरी जिन कैंडिडेट्स के पास है, उन सारे के सारे कैंडिडेट जिनकी रैंक रैंक 1 से लेके रैंक 8551 तक है, उन सब कैंडिडेट्स को यहां पे कल काउंसलिंग के लिए चले जाना पड़ेगा। जाना कहां है आपको? बोपी ऑफिस श्रीनगर या बोपी ऑफिस जम्मू चले जाओ। अगर आपको उसका एड्रेस वगैरह नहीं मिलता है, आप गूगल पे सर्च कर लो बोपी ऑफिस श्रीनगर एड्रेस या बोपी ऑफिस जम्मू एड्रेस, आपको गूगल लोकेशन मिल जाएगी, मैप पे आपको सारा एड्रेस वहां पे मिल जाएगा। कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत यहां पे इसमें है नहीं। तो कल सिर्फ और सिर्फ वो कैंडिडेट जाएंगे जिनके पास ST है, OSC है, JKPM है, PSP है, SC है, SP है, ALC है, IB है, CDP कैटेगरी है, वो सारे। फिर चाहे आपकी जो है वो सिलेक्शन हुई है, आपको अगर अपग्रेडेशन के लिए भी जाना है तो भी आप इन्हीं दिनों में चले जाओ वहाँ पे, अपनी अपग्रेड वगैरह जो कुछ भी है वो कर लो, ठीक। और उसके साथ साथ 14 जनवरी को जिन कैंडिडेट्स के पास RBA है और उनकी रैंक रैंक 1 से लेकर रैंक 8551 तक है, वो कैंडिडेट यहाँ पे 14 जनवरी को चले जाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप शेड्यूल देख सकते हैं, ST और OSC वाले 9 से 10 बजे तक शिफ्ट में चलेगी काउंसलिंग, JKPM, PSP, SC, SP, ALC, IB उनको 10 से 11 बजे तक चलेगी, CDP वालों को यहां पे 12 से 1 बजे तक काउंसलिंग यहां पे चलेगी। तीन शिफ्ट में कल काउंसलिंग रहने वाली है, एक एक घंटे की काउंसलिंग है। जो टाइम आपको दिया गया आपको उसी टाइम में वहां पे जाना है, ऐसा ना हो कि 10 बजे आपकी काउंसलिंग है, आप 2 बजे वहां पे चले जाओ, फिर काउंसलिंग जब खत्म हुई होगी आपको फिर वहां पे अलाउ नहीं किया जाएगा, तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। अगर आप दूर दराज किसी इलाके से हैं तो आप कोशिश करना एक आधा घंटा पहले ही वहां पे पहुंचने की। उसके साथ साथ जो डाउट आपका है कि सीट्स कौन सी फिलअप होने वाली है, देखिए आपको पता है कि जब सीट मैट्रिक्स बनता है उसमें हर कैटेगरी की अपनी सीट्स रहती हैं। जैसा आपका ओपन मेरिट है इसमें 45% रिजर्वेशन रहेगी या 55% सीट्स रिजर्व रहेंगे। उसके साथ ST में यहाँ पे आपको 8% रहेंगी, RBA में यहाँ पे 10% सीट्स रहेंगी, PSP में यहाँ पे 4% रहेंगी, JKPM में 2% रहेंगी। उसी तरह से सारी कैटेगरीज का किसी में 2, किसी में 4, किसी में 10% सीट्स अपनी रिजर्व रहती हैं, ठीक। तो जो कल मतलब आज शाम को जो सीट मैट्रिक्स आ जाएगा उसमें ST SC ST वालों की अलग सीट्स होंगी, उसके बाद JKPM PSP जितने भी कैटेगरीज हैं उनकी अलग अलग सीट्स होंगी, किसी में जो है वो 10 होंगे, किसी में 20 होंगे, किसी में 30 होंगे, जितनी सीट्स होंगे वो अलग होंगे। और उसके साथ साथ जो ओपन मेरिट है उसमें 50 या 55% जो है वो सीट्स रिजर्व रहेंगी, वो ओपन मेरिट वालों के लिए रहेंगे। तो कल वाली जो सीट्स फिलअप हो जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी की जो सीट्स हैं वही फिलअप हो जाएंगी। अगर कल ही सारी कैटेगरी की सीट्स फिलअप हो गई तो होगी, कोई बात नहीं है। अगर फिर जो है वो कोई सीट इसमें वैकेंट रहती है, देखो कैटेगरी का जो इन्होंने सेपरेट काउंसलिंग रखी ना, इसमें ओपन मेरिट वालों का काफी ज्यादा फायदा है। देखो क्या होता है कि कैटेगरी की सारी सीट्स यहां पे फिलअप नहीं होती हैं, कैटेगरी की सारी सीट्स फिलअप नहीं होती हैं, कैटेगरी में काफी सीट्स बचती हैं। तो जब ये सारी सीट्स इसमें से कोई सीट्स बचेंगी वो शिफ्ट कर दी जाएंगी ओपन मेरिट वालों के लिए। ओपन मेरिट वालों के लिए जो सीट्स मतलब है जो 16 जनवरी से शुरू होने जा रही है उनकी काउंसलिंग, तो ये इन दो दिनों में जो सीट्स वैकेंट रहेंगे जो बच जाएंगे, क्योंकि इनका तो एक ही दिन में यहां पे इन कैटेगरीज का करना है, RBA का इनको जो है वो 14 को करना है, दो ही दिनों में ये कैटेगरी का निपटा देंगे, उसके बाद कैटेगरी वाली सीट्स तो ये फिलअप करने वाले हैं नहीं। तो इसलिए जो सीट बचेगी वो यहां पे भी ओपन मेरिट के सीट मैट्रिक्स में ऐड करके जो ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट वो सीट्स वो उनको अलॉट कर देंगे। दैट मींस कि ओपन मेरिट वालों को कैटेगरी की सेपरेट काउंसलिंग से काफी ज्यादा फायदा यहां पे रहने वाला है। बाकी रहा जो ओपन मेरिट की सीट्स होंगी,
वो यहाँ पे 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी के बीच में फिलअप हो जाएंगी। जितनी 55% होंगी, 50% होंगे, जितनी भी परसेंट सीट्स होंगी, वो सारी की सारी सीट जो है वो 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक फिलअप यहाँ पे आपकी हो जाएंगी। तो कन्फ्यूजन आपका जो है वो आई थिंक क्लियर हो गया है कि जो कैटेगरी की सीट्स होती हैं, कैटेगरी वालों को अपनी सीट्स रिजर्व रहती हैं, वो ये फिलअप कर देंगे, और जो ओपन मेरिट वाले होते हैं उनको अपनी सीट्स रिजर्व रहती हैं। हर कैटेगरी में आप अपनी सीट्स रिजर्व रहती हैं, वो उन्हीं स्पेसिफिक कैटेगरी वालों को दी जाती हैं। अब तो दो दिन में काउंसलिंग निपट जाएगी इन कैटेगरी वालों की, जो ये सीट्स जो है वो बच जाएंगी वो ये ट्रांसफर कर देंगे ओपन मेरिट में, और ओपन मेरिट वाले कैंडिडेट्स को फिलअप कर देंगे, और कोशिश करेंगे ये जितनी भी सीट्स फिलअप हो जाएं वो सारी की सारी सीट्स फिलअप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थर्ड राउंड यहाँ पे होने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन हर कैंडिडेट का, जो मैंने क्लियर करने की कोशिश की, वो भी मैंने डिटेल में क्लियर करने की कोशिश। अब यहां पे बात आ जाती है आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट्स की, उसके बारे में भी मैं 12 1 बजे तक वीडियो डालूंगा, और उसके साथ साथ शाम को सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और कट ऑफ वगैरह भी मैं जो है वो 8-9 बजे रात तक जो है वो उसके बारे में भी वीडियो डालूंगा जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, और फी हर कॉलेज की मैं कल मॉर्निंग में इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूंगा, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को खत्म कर लेंगे, ये था एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन जो मैंने क्लियर किया। अभी और कोई कंफ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन हुआ मैं उसमें डिटेल में वीडियो डालूंगा।